टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ट्रू कॉलर को आप यूज़ करते होंगे आपकी डे टू डे लाइफ में, और ट्रू कॉलर मतलब अभी कोई ऐसी नई एप्लीकेशन नहीं रही है, हर कोई लगभग ट्रू कॉलर के बारे में जानता है। किसी न किसी के फ़ोन पे आपने देखा होगा, कभी ना कभी आपने ट्रू कॉलर यूज़ किया होगा। और बात करें इस एप्लीकेशन की दोस्तों, तो बहुत ही फैंटेस्टिक एप्लीकेशन है, क्योंकि ये करता क्या है दोस्तों कि जब भी आपके फ़ोन पे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है या SMS आता है, तो ट्रू कॉलर हेल्प करता है आपको बताने में कि जो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है वो बेसिकली किस बंदे का कॉल आ रहा है और किस लोकेशन से कॉल आ रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल से कैसे बता पाता है आपको जल्दी और इतने कम पीरियड में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो चलिए करते हैं फिर सीधी बात, शून्य बकवास। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो सारा खेल है वो है दोस्तों क्राउड सोर्सिंग का। अगर मैं डिफाइन करूं इस वर्ड को तो आप कुछ देर में समझ पाएंगे कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्राउड सोर्सिंग क्या होता है कि मतलब जो अलग अलग क्राउड है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते आपने अपने इन्फॉर्मेशन सेंटर को इतना बड़ा बना दिया है कि आपके पास लगभग हर एक बंदे की हर एक चीज की जानकारी है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको बेसिकली ट्रू कॉलर काम कैसे करता है दोस्तों। वो ऐसे करता है कि जब भी आप ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हो, तो ट्रू कॉलर यहाँ पे एक फिलोसफी पे काम करता है। उसकी फिलोसफी ये है दोस्तों कि आप मुझे दोगे तो मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, मतलब कि गिव एंड टेक फिलोसफी। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और वहां करते हो आप रजिस्टर, तो ट्रू कॉलर आपसे बोलता है स्पेसिफिक परमिशन के बारे में, मतलब कि जब तक आप उसको अपनी डिटेल नहीं दोगे तब तक वो किसी और की डिटेल आपको भी नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप साइन अप करते हो तो ट्रू कॉलर आपसे बोलता है कि भाई या तो तुम मुझे अपने जीमेल का एक्सेस दो, या फिर तुम मुझे अपने सारे फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दो, या फिर आप ये दोनों नहीं देना चाहते हो तो फिर आपके फोन में जो लोकल डायरेक्टरी है, मतलब कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स है जो आपने फोन पे सेव किए हैं, मुझे उनका एक्सेस दो। तो मतलब कि यहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक्सेस ट्रू कॉलर को देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या करता है ट्रू कॉलर फेल की, जैसे ही आपने उसको परमिशन दी कि हाँ भाई तुम आके मेरे फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप देख सकते हो, तो वहां पे ट्रू कॉलर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को उठा अपने सर्वर पे सेव कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से फिर क्या हो गया, ट्रू कॉलर के पास पहुंच गई आपकी सारी डिटेल, और उसके साथ ही आपके फोन के अंदर आपने जिस-जिस बंदे के नंबर को सेव किया है उसके नाम के साथ, उसकी फोटो के साथ, या फिर उसके ईमेल एड्रेस के साथ, ये सारी डिटेल पहुंच जाती है ट्रू कॉलर के पास। तो इस तरीके से ट्रू कॉलर क्या करता है कि उसकी 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 मतलब हम सबकी डिटेल्स, हमारे फोन में जो भी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, या फिर हमारे फेसबुक से, या फिर हमारे जीमेल से, वो सारे कॉन्टेक्ट को ले जाकर ट्रू कॉलर अपने फोन डायरेक्टरी में सेव कर लेता है, या फिर हम बोले तो अपने सर्वर में सेव कर लेता है। तो इसके साथ क्या होता है कि ट्रू कॉलर के पास हर बंदे की लगभग इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, दो चीज होती है, या तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपके फोन के थ्रू पहुंचती है, या फिर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपके किसी दोस्त या आपके किसी अड़ोसी पड़ोसी के थ्रू पहुंचती है ट्रू कॉलर के पास। तो यहाँ पे देखो, आपने एक चीज चेक करी होगी कभी कि हो सकता है आपने कोई नया नंबर खरीदा है और आपने कभी भी उस नंबर को ट्रू कॉलर के साथ रजिस्टर नहीं किया, लेकिन तब भी आप किसी बंदे को फोन करते हो और उसके फोन में अगर ट्रू कॉलर है तो बता देता है भाई ये जो नंबर है स्पेसिफिक इस बंदे का है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर आप कंफ्यूज होते हो कि यार मैंने तो कभी ट्रू कॉलर यूज किया नहीं, तो इसको कैसे पता लग गया। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि भाई आपने कभी ट्रू कॉलर यूज नहीं किया, लेकिन आपने अपना जो नंबर है वो आपने अपने दोस्तों दोस्तों को बांटा होगा, आपकी फैमिली मेंबर में सबके पास वो नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रू कॉलर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक नंबर लिया और मैंने उसको कभी ट्रू कॉलर के साथ रजिस्टर नहीं किया, लेकिन मेरे को पता लगा कि ट्रू कॉलर के पास मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि मैंने जो नंबर लिया है मैंने ट्रू कॉलर को तो नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने सारे दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को अपना नंबर जरूर शेयर किया होगा। उसके साथ ही मेरे फैमिली मेंबर जो है या मेरे दोस्त है उन्होंने अलग अलग नाम से मेरे नंबर को सेव किया होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सेव किया होगा भाई राकेश भाई, राकेश दिल्ली, राकेश मुंबई, राकेश ये, राकेश वो, जो जैसे पहचानता है उसने उस तरीके से आपका जो नंबर है उसको सेव कर लिया। अब ट्रू कॉलर के पास क्या हुआ कि मान लो इन सब में से किसी न किसी बंदे ने ट्रू कॉलर का एप्लीकेशन यूज किया होगा, तो ट्रू कॉलर ने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स ले लिए अपने सर्वर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो राकेश भाई, राकेश चौधरी, मतलब जो भी अलग अलग नाम थे वो किसी न किसी माध्यम से ट्रू कॉलर के पास अल्टीमेटली पहुंच गया। तो आपने दिया या नहीं दिया, लेकिन उसके पास आपकी डिटेल्स पहुंच गई, या तो आपके थ्रू गई या फिर आपके दोस्तों या आपकी फैमिली के थ्रू गई। तो यहाँ पे यह एप्लीकेशन क्या करता है दोस्तों कि फिर वो डिसाइड करता है कि इतने सारे नाम आ गए, नंबर एक ही है, तो उन सारे नाम को कंपाइल करता है और फिर जो एक छोटा सा अच्छा सा नाम बन पाता है वो ट्रू कॉलर खुद वो नाम बना के तीसरे बंदे को दिखाता है। मतलब जब भी आप उसे कॉल करते हो तो दिखाता है कि ये जो नंबर है ये राकेश भाई का है, राकेश मुंबई का है, राकेश दिल्ली का है, या गैबी फेलो का है। तो इस तरीके से ट्रू कॉलर किसी की भी इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे को बता देता है।
तो दोस्तों ये जो सारी टेक्नोलॉजी होती है इसी को बोलते हैं हम क्राउड सोर्सिंग, मतलब कि जो क्राउड है उससे हमने सोर्स किया इन्फॉर्मेशन और फिर उसको हमने रखा अपने पास और उसी इन्फॉर्मेशन में कुछ एल्गोरिथम लगा के हमने दूसरे बंदे को बता दिया कि भाई तुम्हें जो कॉल आ रहा है अननोन नंबर से वो बेसिकली किस लोकेशन से और किस बंदे के थ्रू आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे ट्रू कॉलर बेसिकली किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ जो ये जानना चाहते हैं कि ट्रू कॉलर बेसिकली काम कैसे करता है। ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, मतलब सिंपल सा है, आप भी समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता है। तो बस दोस्तों आगे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए करते हैं अलविदा और दोस्तों नमस्कार।